एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ से ब्लॉगिंग का स्टार्ट हो रहा है कल शाम से, ठीक है। तो शाम में मैं ना पूरा घर में पहले अच्छे तरीके से पोछा दे दी थी, क्योंकि ना मतलब हाथ से तो डेली पोछा देती थी ऐसे, मतलब डेली एक दो दिन पे पोछा दियाते रहता था। लेकिन आज मम्मी ने ये मतलब ना पोछा देने के लिए ये लाया था, तो इसी से मैंने सोचा कि आज से स्टार्टिंग कर देती हूँ। और इससे पोछा देना बहुत आसान होता है, पूरा मतलब कोना कोना, हर कोना कोना मतलब घुसा के भी दे सकते हैं। कोना कोना जो बच जाता था, नहीं दिया पाता था, तो वहाँ वहाँ भी इसको घुसा घुसा के सब जगह मैंने अच्छे तरीके से पोछ लिया है। और दोनों हाथ से पकड़ के पोछी थी मैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा था वहाँ, मतलब दोनों हाथ से पकड़ के पोछो ना तो अच्छे तरीके से पूरा साफ हो जाता है। तो यहाँ मैं दोनों हाथ से पकड़ पकड़ के कहीं कहीं ऐसे जिधर तो डेली मतलब बीच में तो डेली पोछा दिया था, डीप साफ रहता है, तो यहाँ मैं इधर मैं ऐसे मतलब इसको घसकाते घसकाते पूरा रूम पूरा। शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम मन करता है कि सारा काम हो जाने के बाद अस्थिर होकर शांति से कम एक कप शांति से चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद मन फ्रेश हो जाता है, उसके बाद कोई काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा चाय वो बन चुका है, मैं अपना एक कप चाय अपने ढाल ली और चाय लेके चली गई रूम में, चाय सब पी लिया। उसका शाम के टाइम आया था बाहर में आइसक्रीम, तो आइसक्रीम परी लेने के लिए जिद करने लगती है, परी बाहर खेल रही थी तो यहाँ देख सकते हो। उसके बाद परी के लिए आइसक्रीम ले आया, तो आइसक्रीम ला के मैं परी को खिला रही हूँ और परी ना फ़ोन देख रही है। और उसके बाद मैं रात के लिए सब्जी बनाने लगी, तो सब्जी आलू का सिर्फ आज ना आलू का सब्जी बनेगा, तो यहाँ देख सकते हो। उसके बाद मैंने प्याज व्याज डाल दिया है और आलू मैं डालती हूँ, तो आलू मेरा भुंजा जा जाता है ना, भुंजा जाता है, लाल हो जाता है। उसके बाद ही मैं मसाला उसमें डालती हूँ, मसाला को भूंजती हूँ अच्छे तरीके, थोड़ा सा लेट तक, कि मसाला अच्छे तरीके से भुंजा जाएगा तो सब्जी का टेस्ट अच्छा लगता है। और मसाला मैं ज़्यादा देर तक भूंजती भी हूँ, डेली का मेरा वही है। तो यहाँ देख सकते हो मेरा ना आलू पहले फ्राई हो रहा है, तो आलू लाल लाल हो जाएगा, उसके बाद मैं मसाला इसमें डालूंगी और तो फिर मेरा सब्जी वब्जी इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जहाँ तक आप लोग ब्लॉग वीडियो कल तक जहाँ तक देखे थे, उससे आगे की ब्लॉग वीडियो ये है गाइस। आज आप अगर नहीं देखे होगे तो इसके पिछले ब्लॉग में जाके देख सकते हो। तो यहाँ मेरा सब्जी ना भुंजा रहा है, मैं इसमें देख सकते हो मसाला धीरे धीरे करके ऐड कर रही हूँ, जो जो मसाला मैं डालती हूँ इसमें, तो यहाँ देख सकते हो। उसके बाद मैं इसमें हल्दी और नमक और सारा मसाला पाउडर जो मैं डालती हूँ वो सब मैंने डाल लिया, और टमाटर डाल दी। और उसके बाद मेरा ये खड़ा मैंने ना टमाटर डाल दिया, उसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। टमाटर भी पूरा गल जाता है जब नमक डाला हुआ रहता है तो, और टमाटर ना गल के पूरा अच्छे तरीके से मिल जाता है सब्जी में। तो मैं यहाँ पे सब्जी मेरा बन रहा है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूंजते जा रही हूँ और सब्जी को फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ मेरा चावल चढ़ा हुआ है, इधर देख सकते हो परी ना, सब्जी चावल बन गया मेरा, सब्जी चावल बन के रेडी हो गया। उसके बाद मैं सोची सब्जी चावल तो परी खाएगी नहीं, तो परी के लिए मैं इधर हलवा बनाने में लग गई। और उसके बाद ना हलवा परी को यहाँ पे रख के मैं हलवा बना रही थी, ये देख ही सकते हो। पर बच्चे को रख के कोई काम करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं इसको ना थोड़ा बहुत हलवा अच्छा लगता, तो मैं सोची कुछ तो खाएगी कम से कम, तो इसी की वजह से मैं इधर हलवा बना रही हूँ। और परी यहाँ पे खेल रही है, मैं इसे यहीं पे चढ़ा दी हूँ। बना के रख दिया है परी के लिए ठंडा होने के लिए। गाइस इधर मैं ना पैर हाथ धोने के चली गई सांझ बत्ती देने के लिए, शाम का टाइम हो गया तो मैं यहाँ पे सांझ बत्ती दे रही हूँ। अभी 6:30 बज रहा है, तो मैं देख सकते हो पैर धो ली और हाथ पैर अच्छे तरीके से धो लूँगी, हाथ पैर और फेस भी धो लूँगी। तो मैं इधर मतलब फेस उस सारा अच्छे तरीके से धो के उसके बाद सांझ बत्ती देने के लिए जाऊँगी। मैं दोनों हाथ को अच्छे तरीके से धो ली, कभी कैमरा इस हाथ में कभी कैमरा उस हाथ में। और उसके बाद मैं पहुँच गई यहाँ पर भगवान जी के पास, तो भगवान जी के पास यहाँ सांझ बत्ती देने के लिए। तो मैं सबसे पहले अपना दुपट्टा सर पे ले लिया, उसके बाद मैं अपना सांझ बत्ती शाम का मतलब जो डेली का चलता है वो करती हूँ। ये टाइम ना घर में सांझ बत्ती देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। पूरा घर में आप अच्छे तरीके से दिया दिखा दो, या तो आरती दिखा दो और सबको आरती दे भी दो, और बाहर एक छोटा सा दिया जला के रख दो, ताकि घर के बाहर जितना भी मतलब होता है निगेटिव चीज़ ना घर से बाहर हो जाए। तो ये मतलब सांझ में शाम के टाइम झाड़ू घर में कभी भी ना दे, क्योंकि झाड़ू देने से ना घर की संपत्ति और घर की मतलब सुख शांति जो होता है बाहर चला जाता है। और झाड़ू दे
ना गाइस, तो जो झाड़ू देके निकालते हो आप, वो बाहर ना निकाले, घर में ही कहीं कोना में मतलब कर दे इकट्ठा, अब बाद में उसको बाहर फेंके, ठीक है। कम से कम इतना तो ज़रूरी ही है डेली का, मतलब ये तो हर हाउस वाइफ को पता रहता है कि क्या ये सब क्या क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, तो ये तो मतलब हर किसी को पता रहता है। तो मैं गाइस आज के ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं आप लोग से गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है गाइस, बाय बाय।